नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं सदानंद। आज परिवार विकास और चाइल्ड फंड इंडिया ने जो महत्वपूर्ण कदम उठाया है, बच्चों को चाइल्ड किट वितरण जो किया है, ये सराहनीय कार्य किया है। मैं एक बच्चे साहब को रूबरू कराता हूं। आइए जानते हैं ये बच्चा कोरोना के बारे में क्या कहना चाहता है। कोरोना के बारे में यही कहना चाहता हूं कि सब अपने लॉकडाउन का पालन करके अपने घर में रहें और समय समय पर 20 सेकंड तक अपने कोरोना के बारे में क्या कहना चाहते हैं। कोरोना बारे में यही कहना चाहता हूं कि आप सब अपने अपने घर में रहें, लॉकडाउन का पालन करके और समय समय पर 20 सेकंड में अपना हाथ को साबुन से धोएं। मैं कोरोना वायरस पर एक गाना गाना चाहता हूँ। कभी साबुन लेके सैनिटाइजर साथ लेके चले आना कोरोना को भगाना, कभी डिटोल साबुन ले आना, कभी डिटोल साबुन ले आना, मुंह पर मास्क लगा करके लॉकडाउन का पालन करके चले आना कोरोना को भगाना, कभी साबुन लेके सैनिटाइजर साथ लेके चले आना कोरोना को भगाना। क्या नाम है बाबू? मेरा नाम प्रेम कुमार। जो तुमको किट मिला, क्या करेंगे किट से? इस किट से हम बहुत सारी व्यवस्था करेंगे और बहुत सारे चित्र कलर करेंगे और कहानी कविता भी लिखेंगे। क्या नाम है? सोनाली कुमारी। तुमको जो किट मिला है क्या करेगा बाबू से? इससे हम इस किट से ड्राइंग बनाएंगे, बहुत सारे कहानियाँ इसमें लिखेंगे और जो मतलब कोई भी व्यवस्था है इसी में लिखेंगे। आज आपने जो संस्था के तरफ से जो किट वितरण किया, क्या उद्देश्य है? इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चे घर में बोरिंग महसूस ना करें। इस लॉकडाउन के महामारी में बच्चे अपने अंदर जो छुपे कला रखे हैं उसको अपने अभिभावकों के सामने अपने घर में उजागर करें, ताकि उससे अपना समाज भी थोड़ा डेवलप हो सके। अपने माता पिता के साथ ये राहत किट जो दी गई है, इसमें बच्चे घर में रह के चित्रांकन कर सकते हैं और अनेक प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, कहानी कविताएं लिख सकते हैं और अपने माता पिता के साथ। चलो बारी बारी से देखेंगे।